27 फरवरी को धार जिला जेल में बंद कैदी भेरू की जेल प्रशासन द्वारा अनावश्यक बल प्रयोग करने की वजह से संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी, जिसको लेकर भेरू के परिजनों और पूरी समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। भेरू को न्याय दिलाने के लिए अब पूरी मारू कुमावत समाज धरातल पर उतर आई है। समाज के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा आज तकरीबन 11:30 बजे भेरू को न्याय दिलाने के लिए सरदारपुर नगर में स्थित बदनावर चौपाटी में एक विशाल रैली निकालकर भेरू को न्याय दिलाने के नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री, गृह मंत्री एवं कलेक्टर के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में समाजजनों द्वारा एक बार पुनः पूरे मामले की जांच कर सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की गई एवं पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि एवं परिवार में सरकारी नौकरी देने की मांग रखी। साथ ही समाजजनों ने उचित कार्यवाही नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। हालांकि इस पूरे मामले में उप जेल अधीक्षक श्यामलाल वर्मा को अनावश्यक बल प्रयोग करने एवं कराने को लेकर उनके पद से निलंबित भी कर दिया गया है। सरदारपुर से जगदीश मारू की रिपोर्ट। आज आपके द्वारा इस दिन आपको ज्ञापन दिया गया, क्यों ज्ञापन दिया? 27 तारीख को धार जेल में जो हमारे समाज का भेरू टांक, पिता भक्तिराम टांक, हनुमंत काक का है, उसको लाठी बलपूर्वक लातों से हाथों से मार मार के हत्या कर दी गई। जब हमको पुलिस वालों वहाँ से जेल से सूचना मिली, थाने के द्वारा थाने से हमको सूचना मिली रात की 9:30 बजे, जबकि अभी कैदियों द्वारा और कुछ संत्रियों द्वारा हमको ये जानकारी मिली है कि वहाँ पे भेरू की मृत्यु दिन में 2 से 3 के बीच ही हो चुकी थी और उनने उस मामले को दबाने के लिए परिवारजनों को रात में 9 बजे जानकारी दी। हम जब सुबह 8 बजे गए तो 8 बजे हमको जेलर द्वारा बोला गया कि उसको अटकाया, लेकिन सही बात तो ये थी अंदर कैदियों द्वारा नारेबाजी की जा रही थी कि भेरू के शव को वापस लाओ, भेरू के हत्यारों को फांसी दो। तो स्पष्ट ये है कि जेलर और उनके संत्रियों ने ऑफिशियली मिलकर उसको भेरू को मारा है, मार मार कर। ज्ञापन के माध्यम से SDM साहब को हमने दिया है, प्रतिलिपि गृह मंत्री और CM साहब और राज्यपाल साहब के नाम दिया है, निष्पक्ष जाँच हो, न्यायिक जाँच हो और हमने जो वीडियोग्राफी जज साहब के सामने करवाई है, निष्पक्ष तरह से जो निलंबित करें, हम निलंबित नहीं उनको बर्खास्त करें और उनको हत्या के आरोपी 302 का मुकदमा दर्ज हो। सरकार से हमारी यह मांग है कि परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाए और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। दिनेश चौधरी, हनुमंत का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।